आपको जानना है कि आज का मैच कौन जीतने वाला है, अगर आपको जानना है आज के मैच में कौन सा प्लेयर रन बनाने वाला है, अगर आपको जानना है आज के मैच में कौन विकेट लेने वाला है, कौन फ्लॉप होगा, कौन विकेट किसको नहीं मिलेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में दी थी और आगे आपको रिजल्ट का पता चलेगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप बस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता आज के इस मैच में। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग, पहले बताओ कैसे हो, बढ़िया हो? क्या बढ़िया तो हो गई, इतनी बढ़िया टीम जा रही, इतने बढ़िया मेरे प्रेडिक्शन जा रहे हैं। आपको पूछोगे जैसे कि अरे भाई कल बोला था ना कि चेन्नई सुपर किंग्स अगर पहले बैटिंग करे तो अंबती रायडू को जरूर लेना, वो ठोकेगा, बिल्कुल ठोकेगा, और मैंने उसको अपनी स्मॉल लीग में स्मॉल लीग टीम में लिया। आप लोगों को भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो टीम दी थी उसमें अंबती रायडू हमारा ट्रम्प, मैंने लिखा था मेरा ट्रम्प प्लेयर ये मुझे जिताएगा और उसने जिता दिया। उसके बाद करण पोलार्ड का देख लो, मैंने आपसे बोला था ना विटिलाइजेशन में कि अगर मुंबई इंडियंस की टीम किसी भी सिचुएशन में मैच उनका फंसता है तो करण पोलार्ड उसको जिताएगा, मुसीबत से निकालेगा और मैच को फिनिश करेगा। आप जाके पिछली वीडियो लाइव सेशन में चेक कर सकते हो, ना बोला हो तो बोलना। और उसके बाद ये भी बोला था जब टॉस हो गया था कि मुंबई इंडियंस की टीम ही ये मैच जीतेगी चाहे किसी भी कीमत पर जीते, जीतेगी तो मुंबई इंडियंस ही जीतेगी चाहे टारगेट 250, ठीक है। और वैसे ही हुआ, मुंबई इंडियंस की टीम ने मैच को विन कर लिया। तो भाई ये सब चीजें हैं, यही आपको इस वीडियो में मिलता है देखने के लिए। बस करना क्या होता है, आपको बस 15 मिनट का टाइम देना पड़ता है। अगर आप 15 मिनट का अगर आप टाइम देते हो तो आपको मैच में कोई नहीं हरा सकता। आज भी इस वीडियो में मैंने कम से कम 8 प्लेयर के प्रेडिक्शन आपको दिए हैं कि भाई कौन कौन से प्लेयर हैं जो आज मारने वाले हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं जो आप आज नहीं मारेंगे। तो अगर आपको पैसा कमाना है फैंटेसी क्रिकेट में, ड्रीम इलेवन में या कहीं और भी माय इलेवन सर्कल पर, तो प्लीज पूरी वीडियो देखना शुरू से लेकर एंड तक। और हाँ, एक तो रिक्वेस्ट है कि तुरंत वीडियो को लाइक कर दो भाई, आपका लगातार, आपका छोटा भाई लगातार धमाकेदार प्रेडिक्शन दे रहा है, जो बोल रहा है वही हो रहा है। तो यार इसके लिए थोड़ा प्यार देना, मोटिवेट करना जरूरी है ना मुझे, बदले में आपसे कोई पैसा तो मैं ले नहीं रहा, तो बस एक लाइक का बटन इसको थक दबा दो, ठोक दे साले को। है अभी ग्रे कलर का दिख रहा होगा, उसको नीला करो, तुरंत नीला करो, नीला रंग मुझे पसंद, मेरा फेवरेट कलर है। सॉरी मैंने झूठ बोला, मेरा फेवरेट कलर रेड है, डेंजर भी और लव भी। तो अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको पहले ज्वाइन करो। 50,000 रुपए का गिव अवे आपका इंतजार कर रहा है भाई, फ्री गिव अवे रोज होता है यहाँ पर, फ्री गिव अवे डेली होता है, डेली बहुत पैसा हमारे पास, हम रोज बांट रहे हैं। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो इसको ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गिव अवे सच में है भाई, जाओ ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी फाइनल ड्रीम इलेवन टीम पोस्ट करता हूँ टॉस के बाद। सॉरी अपडेट, रोज गिव अवे, हर चीज आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी, तुरंत जाके इसको ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक है। और फैंटेसी क्रिकेट की फील्ड का एकमात्र वेरीफाइड चैनल है जिसपे ब्लू टिक लगा हुआ है, आप ये यूजर नेम सर्च करो या फिर नीचे लिंक से आप ज्वाइन करो या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करो अनुराग द्विवेदी, आपको ब्लू टिक वाला चैनल मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लें। 280,000 समथिंग लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में किन कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले, हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान रॉयल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2021 मैच 28। मैं इस बात करूंगा इसमें आरआर वर्सेस एसआरएच की ड्रीम इलेवन टीम प्रेडिक्शन, और उसके बाद आरआर वर्सेस एसआरएच मैच प्रेडिक्शन, मैच का प्रेडिक्शन जो भी है, आरआर वर्सेस एसआरएच स्टैट्स और आरआर वर्सेस एसआरएच टीम न्यूज, आरआर वर्सेस एसआरएच प्लेइंग 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें बस, और ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, बस आप वीडियो को प्लीज यार पूरा देखना है, एक रिक्वेस्ट है, पैसा कमाना है पूरी वीडियो देख लिया करो। अच्छा हाँ, और बधाई हो जिन 50 भाइयों ने मेरी कल की वीडियो में सबसे पहले कमेंट किया था उनको 1,000 रुपए का फ्री कैश मिल गया। उनका कमेंट मैंने हार्ट कर दिया था, दिल वाला वो लाइक कर दिया था, वो लोग अपना अपना नंबर कमेंट पे रिप्लाई कर दे, उनको पैसा जो है मंडे की शाम को उनका पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको भी फ्री में कमाना, पता क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे को दबाना है बेल आइकन को। डेली सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आती है, 7:55 का 7:58 का अलार्म लगा लो, तुरंत चैनल खोल के बैठो, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, सबसे पहले कमेंट करो और जीत जाओ फ्री में कैश। तो ये तो कर सकते हो, ठीक है, मतलब क्या है, मैं कितना कुछ दे रहा हूं। उसके बाद वीडियो भी देखने का, भाई कोई कहीं पैसा मिलता है? अरे बिल्कुल मिलता है, यहां पर है। कैसे? वो ऐसे है कि भाई देखो, यहाँ पर आपको करना क्या, पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, बीच में मैं आपसे, और आज मैं छुपम छुपाई खेलूंगा आपसे, आज मैं गिव अवे का जो क्वेश्चन है बीच में पूछूंगा, कोई सेगमेंट में बात कर रहा हूँ उसके बीच में आपसे गिव अवे का सवाल पूछ लूंगा। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, पहली बात तो ये, और तो बस आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है,
आपको वीडियो को लाइक जरूर, अगर आप लाइक नहीं करोगे और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा। आप कुछ भी मोबाइल चाहे आप जीतो, स्मार्टफोन जीतो, चाहे आप कैश जीतो, प्राइज आपको नहीं मिलने वाला। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, फिर सवाल पूछूंगा, कमेंट करके जवाब दे देना। अगर आपका जवाब सही होता है तो 50,000 रुपये का कैश आप विन करोगे। फर्स्ट जो बंदा आएगा वो विन करेगा कि वीवो का स्मार्टफोन, ठीक है। तो कल भी अभी हमारे कुछ भाइयों ने पैसा जीता है, उनके विनर्स जो है उनके नाम मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलो यार, ज्यादा टाइम में लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो पहले तो हम टीम न्यूज की बात करेंगे। टीम न्यूज ये है कि भुवनेश्वर कुमार ये मैच खेल सकता है अगर वो फिट होता है। दूसरी ये कि अब तो आपको पता चल गया होगा इतना सोशल मीडिया पर पढ़ के कि केन विलियमसन नया कैप्टन है एसआरएच की टीम का। हैदराबाद का कैप्टन आप केन विलियमसन है, डेविड वार्नर नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो अच्छा अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्लेइंग 11 आरआर वर्सेस एसआरएच प्लेइंग 11 कौन से 11 खिलाड़ी आज के मैच में दोनों टीमों में खेलने वाले। उससे पहले आप अपने 11 खिलाड़ी ले लेना। कहां पर लोगे? माय 11 सर्कल पर। क्यों वहां पर क्यों लोगे वहां पर? वहां पर इसलिए लेना भाई क्योंकि वहां पर आपको क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो आप जो चाहो वो प्लेयर ले सकते हो। यार ये बताओ एक चीज, आप अपना पैसा लगाते हो, ठीक है, कोई भी ड्रीम इलेवन पर लगाते हो, कहीं पर भी लगा, आप अपना पैसा लगाते हो और वहां पर क्रेडिट की प्रॉब्लम होती है, जो प्लेयर आप चाहो वो प्लेयर आप ले नहीं पाते हो, कितना बुरा लगता होगा ना, दिल से बुरा लगता होगा भाई, दिल से बुरा लगता होगा। वैसे ही आप अपना पैसा, मेहनत का पैसा लगा रहे हो तो कम से कम जो प्लेयर आपको पसंद है, आप लेना चाहते हो, उनको ले तो पाओ। तो इस वजह से वहां पर क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं है। माय 11 सर्कल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके इसको डाउनलोड करो। वहां पर पता है 1500 रुपए फ्री में आपको मिलेगा मेरे लिंक से अगर आप डाउनलोड करोगे। कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, 1500 रुपए फ्री मिलेगा। 4 करोड़ का लीडर बोर्ड भी वहां पर चल रहा है, फ्री में आप 4 करोड़ का लीडर बोर्ड जीत सकते हो। फर्स्ट आकर 2 करोड़ रुपए का प्राइज उठा सकते हो। 1 रुपए वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके आप 1 रुपए से 1 करोड़पति बन सकते हो, 1 करोड़ आप जीत सकते हो, समझ रहे हो। और एक्सपर्ट के कॉन्टेस्ट में एक्सपर्ट को बीट करके आप 5 गुना ज्यादा कैश जीत सकते हो। तो बहुत सारी चीजें माय 11 सर्कल पर है, डाउनलोड करके वहां पर खेल कर तो देखो, 10 हफ्ते मजा आ जाए तो पैसा वापस, अगर मजा ना आए 1 हफ्ते बाद तो लाइक वापस ले लेना, लेकिन अभी लाइक कर दो, ठीक है। चलो प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, शिवम दुबे, डेविड मिलर, रियान पराग, राहुल टिवाटिया, ओ क्रिस मोरी, जयदेव नाटकट, चेतन सकारिया, मुस्ताफिजुर रहमान। उसके बाद हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। तेरा पसीना बहुत आ रहा है, फैन ऑन कर दूंगा तो भाई थोड़ा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पसीना वो अब बैकग्राउंड नॉइस आएगी। सनराइजर्स हैदराबाद की हम प्लेइंग बात करें, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, मनीष पांडे, केन विलियमसन, विजय शंकर, केदार जाधव, जगदीश सूची, राशिद खान, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा, ये हो गए इनकी प्लेइंग 11। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की पिच रिपोर्ट की। देखो बहुत ध्यान सुनना, ये मैच डे नाइट मैच है, आधा मैच मतलब दिन में भी होगा और शाम तक होगा, रात तक। तो इसमें क्या है, इसमें जो अंडर लाइट जो बैटिंग करेगा ना, लाइट मतलब बत्तियां जल जाएंगी, शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, भूत आ जाएगा, तब बैटिंग थोड़ा इजी होगी। और दिन में क्या है, दिन में यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पर मतलब कि ज्यादा मतलब घूमेगी बॉल, तो ये इसका जो है फायदा मिल, थोड़ा पेस भी होगा होगा उस पर, पेस भी मिलेगा, पेसर्स को थोड़ा पेस भी होगा, बट मेरे ख्याल से पेस शायद शाम को होगा। और बाकी दिन में जो पहली इनिंग में खास करके जो स्पिनर बॉलिंग कराएगा ना उसको थोड़ा ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी इक्वली फेवर में बैट्समैन बॉलर एवरेज मतलब न्यूट्रल पिच है। अब पिछले अगर आप 11 मैचेस देखोगे यहाँ पर तो 11 मैचेस में ज्यादा विकेट, यहाँ पर ज्यादा विकेट नहीं गिरते हैं, ये चीज देखो आप। पिछले 11 मैचेस में यहाँ पर पेसर्स को मिले हैं 58 विकेट और स्पिनर्स मिले 49 विकेट। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड स्कोर की तो 150-160 रन आप एक्सपेक्ट करके चलो कि बनेंगे। अगर राजस्थान टीम पहले बैटिंग करती है तो 150-160, अगर हैदराबाद टीम पहले बैटिंग करती है तो 170 के ऊपर बनेंगे, ठीक है। अब सुनो तो भाई गिवअवे के जो विनर्स हैं उनके पहले नाम बताता हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये भाई जिन्होंने वीवो का स्मार्टफोन विन किया है। भाई प्लीज आप अपने कॉमेंट पर अपना एड्रेस दे दीजिए, हमारी टीम ने आपको मैसेज कर दिया होगा कमेंट पर, अपना एड्रेस दीजिए, करीब 10 दिन बाद मैं ऐसा आपको फोन भेज दूंगा, थोड़ा कोरोना काल कम पड़े उसके बाद फोन भेज दूंगा। बाकी अब जो आपको स्क्रीन पर जो विनर्स दिख रहे हैं इनका बता दूं, ये लोगों ने 5,000 रुपए का कैश विन किया है। और इन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि परेशान ना होना, मंडे को अब जो है हर मंडे को हम शाम को पैसा ट्रांसफर किया करेंगे हफ्ते में एक दिन, तो सब रखना मंडे को आपको पैसा आपको मिल जाए। बस आप कमेंट में अपना अपना फोन पे नंबर वगैरह डाल दो, पेटीएम नंबर जो भी आपको डालना है डाल दो, ठीक है। तो ये विनर्स है, उन्होंने फ्री में विन किया। आप भी वीडियो को पूरा देखते रहिए ध्यान से, आप भी जीत सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम आते हैं आरआर वर्सेस एसआरएच मैच स्टैट्स के ऊपर। तो हम पहले बात करेंगे हेड टू हेड स्कोर कार्ड की। देखो टोटल मैचेस तो दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं वो 13, हैदराबाद ने जीते हैं 7 और राजस्थान ने जीते हैं 6, ठीक है। अब हम बात करें राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स की क्या रिकॉर्ड है। तो जॉर्ज बटलर के 8 मैचों में सिर्फ 73 रन है, संजू सैमसन के 16 मैचों में 485 रन है, शिवम दुबे ने 3 मैचों में 20 रन किए, 3 विकेट भी लिए, डेविड मिलर ने 10 मैचों में 186 रन, रियान पराग ने 3 मैचों में 62 रन, 1 भी विकेट नहीं, राहुल टिवाटिया ने 3 मैचों में 1 विकेट लिया, 52 रन मारे, क्रिस मोरिस ने 10 मैच में 73 रन मारे, 9 विकेट लिए, जयदेव नाटकट ने 10 मैचों में 14 विकेट लिए। ये 14 नंबर, ये 14 14 14 14 14 14 ये
पीछा नहीं छोड़ता, जहां देखो वहां 14-14 आ जाया करता है। मुझे बोलने में शर्म आती है। चेतन सकारिया का देखो लास्ट के छह, जो अब इनकी इनकी टीम के खिलाफ तो नहीं खेला, बट जो छह मैच खेला उसमें 7 विकेट लिए। अगर हम बात करें मुस्तफिजुर रहमान की, 2 मैच खेले हैदराबाद के अगेंस्ट और 2 मैचों में 4 विकेट लिए। एक बार बता दूं मैं मुस्तफिजुर रहमान, ये मैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स में ऐड करना भूल गया, मैं बीच बता रहा हूँ। मुस्तफिजुर रहमान हैदराबाद के लिए पहले खेल चुका है। मुस्तफिजुर रहमान की बॉलिंग जो है काफी इंप्रेसिव, काफी अच्छी होने वाली है आज के मैच में, और बाकी प्रेडिक्शन आपको मैं आगे बताऊंगा। शेष गोपाल 5 मैचों में 5 विकेट। अब हम बात करते हैं हैदराबाद के जो प्लेयर्स का जो रिकॉर्ड है, डेविड वार्नर का आप देखो 12 मैचों में 389 रन, सही है, वाह बहुत सही। 3 मैचों में 71 रन जॉनी बेस्टो के। मनीष पांडे 13 मैचों में 344 रन, आपका भी सही है यार, तेरा भी सही है भाई। मैंने केन विलियमसन का देखो 5 मैचों में 148 रन, ओ इसका भी सही है। इसके बाद बात करें विजय शंकर का, 7 मैचों में 115 रन 1 विकेट। केदार जाधव 11 मैचों में 115 रन। और जग्गी सुचित 2 मैचों में 1 विकेट ले चुका है, अभी जो खेला है। और राशिद खान ने 6 मैचों में 7 विकेट लिए आरआर के अगेंस्ट। खलील अहमद ने 2 मैचों में 3 विकेट लिए। सिद्धार्थ कुल ने 6 मैचों में 5 विकेट लिए। संदीप शर्मा ने 6 मैचों में सिर्फ 3 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो 11 मैचों में 12 विकेट लिए। तो ये हो गया एसआरएच के उनकी बात। अब बात करें प्लेयर्स बैटल की, मैं ज्यादा नहीं लाया, मैं 5 लाता हूँ और जो अच्छे हैं वो उनकी मैं बात करता हूँ। अब जॉस बटलर और राशिद खान का रिकॉर्ड देखो, 16 बॉलों में 10 रन से बनाया है जॉस बटलर ने और 4 बार आउट हुआ है, यानी कि हर चौथी बॉल पे जॉस बटलर राशिद खान की हर चौथी बॉल पे आउट होता है। पहला पॉइंट। दूसरा भुवनेश्वर कुमार के सामने आप देखो उनका एडिटर साहब यहाँ पर भूवी लिखा है, BUVI लिखा है, इसको प्लीज भूवी कर देना, BHUVI कर देना। हाँ, तो जॉस बटलर ने भुवनेश्वर कुमार की 45 बॉल खेली है, 44 रन बनाया और 3 बार आउट हुआ है। हम बात करेंगे संजू सैमसन की, वाह संजू सैमसन, जॉस जैसन होल्डर खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से शायद नहीं खेलेगा, देखते हैं। तो अब 20 बॉलों में 22 रन मतलब कि बनाए हैं सैमसन ने होल्डर की बॉल पर, 2 बार आउट हुआ है। डेविड मिलर का हम देख लेते हैं, डेविड मिलर और राशिद खान का 21 बॉल में 33 रन 2 विकेट, उसके बाद हर 10-11 बॉल में आउट करता है मिलर को। अब क्रिस मोरिस का अगर हम देखें तो राशिद खान के 17 बॉलों में 2 बार आउट हुआ है, 14 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार के आगे क्रिस मोरिस 39 बॉलों में 45 रन बनाए, 3 बार आउट हुआ है। यार भुवनेश्वर को तो अच्छा खासा ठीक ठाक मतलब खेला है। केन विलियमसन, हमारे विलियमसन साहब का देखो, विलियम साहब का तो केन विलियमसन क्रिस मोरिस की 17 बॉल खेले, 2 बार आउट हुए और कितने रन मारे, 18 रन मारे, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टार्स वाला रिकॉर्ड वो तो क्लियर। अब हम आते हैं दो हमारे सबसे मेन चीजें, तीन फैंटेसी क्रिकेट टिप्स और मैच प्रेडिक्शन जो भी हमारे होते हैं, उसके बाद हम ड्रीम 11 टीम जो हमको बताते हैं किसको क्या करना है ना, वो चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या आपको सावधान हो जाना है, यहां पर आपको चारों तरफ देखना है, कोई आपको देख नहीं रहा है, आप किसी को नहीं देखोगे, ठीक है। कोई खुजला रहा है उसको मना, उसकी तरफ नजर नहीं मारोगे, कोई लड़की सामने से गुजर रही उसके ऊपर नजर नहीं मारोगे, कुछ भी नहीं करोगे, आप बस यहां पर फोकस करोगे जो मैं बातें बोल रहा हूं, ठीक है। और लिख लेना कहीं पर, पहला जो फैंटेसी क्रिकेट आरआर वर्सेस एसआरएच फैंटेसी क्रिकेट टिप्स देखो, अगर हैदराबाद टीम पहले बैटिंग करती है तो भाई अगर आप मनीष पांडे को ड्रॉप नहीं करना चाहते हो, किसी को ड्रॉप नहीं करना चाहते हो, तो आप चारों बैट्समैन ले लेना ऊपर के, विलियमसन पांडे वार्नर एंड बेस्टो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर राजस्थान टीम पहले बॉलिंग करती है तो मुस्तफिजुर रहमान वेरी इंपॉर्टेंट और चेतन सकारिया, ये दोनों को जरूर लेना टीम में, अगर आरआर की टीम अगर पहले बॉलिंग करे। दूसरा अगर हैदराबाद की टीम अगर पहले बॉलिंग करती है तो 3 बॉलर हैदराबाद के लेना, 3 राशिद खान पहला, दूसरा संदीप शर्मा और तीसरा खलील अहमद, या फिर संदीप शर्मा और खलील अहमद की जगह पर किसी एक की जगह पर अगर भुवनेश्वर कुमार वापस आ जाता है तो भुवनेश्वर कुमार को भी, ये जरूर याद रखना कि 3 बॉलर आपको लेने हैं और बहुत सुंदर टीम बनेगी, एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वंडरफुल। अगर बात करें आगे हम, हाँ एक और, हैदराबाद के बल्लेबाजों पर, हैदराबाद के गेंदबाजों पर थोड़ा ज्यादा भरोसा दिखाना भाई, ठीक है ये चीज। उसके बाद अगर आरआर की टीम पहले बैटिंग करती है तो डेविड मिलर को ड्रॉप मत करना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आरआर वर्सेस एसआरएच मैच प्रेडिक्शन। अब इसमें क्या होगा, सुनो पहले मैं बहुत ध्यान से, जॉस बटलर फ्लॉप होने का बोल रहा हूँ और जसवाल का मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, बाकी मैं कुछ खास प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। उसके बाद डेविड मिलर अच्छा स्कोर करेगा, राजस्थान टीम अगर पहले बैटिंग करेगी, पहले बैटिंग करे या बाद बैटिंग करे, मिलर अच्छा स्कोर करेगा राजस्थान के लिए, ये चीज कन्फर्म है, ठीक है। और उसके बाद राहुल टेवाटिया, ये आज आपका ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, जैसे कल मैंने रायडू बोला था, आज ये आपका ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, स्पेशली तब, मतलब स्पेशली बोल रहा हूँ, तभी होगा अगर राजस्थान टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि इसका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, तो आप इसको जरूर लेना, अगर राजस्थान टीम पहले बैटिंग करे तो इसको जरूर लेना, ये आपका ट्रम्प प्लेयर बनेगा, सही बता रहा हूँ मैं, ये आज मारेगा स्कोर करेगा। उसके बाद डेविड वार्नर और केन विलियमसन, ये दोनों है ना साथ, मेरा पिटिशन ये मुझे लग रहा है ये दोनों साथ में ना अगर चेस करेंगे तो साथ में मैच खत्म करेंगे,
समझ रहे हो, वार्नर नॉट आउट, साथ में खत्म करेंगे मैच को, या फिर साथ में दोनों स्कोर करेंगे। तो ग्रैंड लीग में वार्नर कैप्टन, विलियमसन वाइस कैप्टन ट्राई कर लो, या फिर वार्नर कैप्टन संजू सैमसन, वार्नर कैप्टन और डेविड मिलर वाइस कैप्टन, ये कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ जॉनी बेस्टो अच्छा खेलेगा पावर प्ले में, अब ये नहीं कहता बहुत लंबा खेलेगा कितना खेलेगा, बट इतना है कि वो पावर प्ले में थोड़ा शताब्दी एक्सप्रेस वाला पारी जो है ना खेल जाएगा, मतलब रफ्तार वाली थोड़ी बहुत, तो 150-160 की स्ट्राइकेट से ऊपर वाली, क्योंकि अब देखो एक जो नॉर्मल ट्रेन होती है वैसे चलती है, और इसकी जो ट्रेन होगी ना कल वो ऐसे चलेगी, इसका जो बल्ला ऐसे चलेगा, ऐसे, आई एम रियली वेरी सॉरी। और उसके बाद मनीष पांडे जो है थोड़ा खतरे में रहेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, थोड़ा खतरा है इसको, बाकी देखते हैं इसको भी लेना है कि नहीं लेना है। और उसके बाद राजस्थान जो है, राजस्थान को कुछ 440 वोल्ट के झटके लग सकते हैं इनिशियल ओवर, मतलब स्टार्टिंग के ओवर में पावर प्ले में दो झटके तीन झटके जो भी लगे, मेरे ख्याल से एक दो झटके मैं बोल रहा हूँ, इनको शुरुआती झटके लग सकते हैं 440 वोल्ट के हो चाहे 880 वोल्ट के हो, तो झटके लगेंगे। और एक चीज, राशिद खान ये प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, अब मैं ये नहीं बोला कि 3-4 विकेट ले जाएगा, हो सकता है मैक्सिमम 2 ले या फिर एक ही विकेट ले, वो भी खासकर शिवम दुबे का, बाकी प्रेशर तो ये मेंटेन करके रखेगा। तो अगर आपको ग्रैंड लीग में इसको ड्रॉप करना है आप कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग मत करना, बहुत खतरनाक प्लेयर है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मैच रिजल्ट की, मेरे हिसाब से क्या रिजल्ट होने वाला है मैच का, हैदराबाद मैच जीतेगी, टॉस भी हैदराबाद जीतेगी और बॉलिंग का फैसला लेगी। अब टॉस पे आप छक्के पे होता है, गलत हो जाए तो भाई उंगली मत उठाना है, ठीक। उसके बाद अब हम बात करेंगे आरआर वर्सेस एसआरएच की ड्रीम इलेवन टीम की, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोकस करते रहना, गिवे क्वेश्चन मैं कहीं पर भी पूछ सकता हूँ। तो आरआर बात करें ड्रीम इलेवन टीम की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये मैंने जो है बनाई हुई है टीम, और ये टीम हमारी ड्रीम इलेवन टीम है, हालांकि इसमें माय इलेवन सर्कल का मैंने यूआई डाला हुआ है, बट ये ड्रीम इलेवन की हमारी ये टीम है। इसमें मैंने क्या किया है, संजू सैमसन को लिया है, जॉनी बेस्टो लिया है, यशस्वी जायसवाल लिया है, और मैंने लिया डेविड वार्नर को, केन विलियमसन को, और मैंने लिया शिवम दुबे को, राहुल टेवाटिया को, क्रिस मोरिस को। अब मैं सुंदर टीम क्यों बोल रहा था, देखो तीन ऑलराउंडर यहाँ के राजस्थान के, तीन बॉलर हैदराबाद के, तो फिलहाल ये सोच के मैंने टीम बनाई, चलो हैदराबाद बॉलिंग करेगी जैसा मेरा प्रेडिक्शन है उस हिसाब से मैंने बनाया हुआ है, और ये हमारी टीम है। इसमें जो है क्या है, क्या चेंज हो सकता है, अब देखो ये हमारी ड्रीम इलेवन टीम है, इसमें बताया मैंने क्या किया, इसमें मैंने जायसवाल को लिया है, और माई इलेवन सर्कल में क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, माई इलेवन सर्कल में मैंने क्या किया है, जायसवाल की जगह पर मैंने लिया है डेविड मिलर को, और यहाँ पर शिवम दुबे की जगह पर मैंने लिया है जॉस बटलर को, मतलब समझ रहे हो। तो ड्रीम, आप सोचो आप ड्रीम इलेवन पर आप अपनी टीम नहीं बना पाओगे, बना के देख दिखाओ वो माई इलेवन सर्कल टीम नहीं बन पाएगी, माई इलेवन सर्कल पर आप कोई भी प्लेयर ले सकते, इसलिए बोल रहा हूँ माई इलेवन सर्कल के आप डाउनलोड करो, वहां पर खेलना शुरू करो। ड्रीम इलेवन पर कुछ खास है, कॉम्पिटिशन तो हार्ड है, जीते हो कितना जीते हो नहीं, क्योंकि भाई वहां पर इतना कॉम्पिटिशन ही है, तो माई इलेवन सर्कल पर खेल के देखो। अच्छा उसके बाद तो ये कैप्टन मैंने जॉनी बेस्टो किया, वाइस कैप्टन मैंने सैमसन किया है। अब देखो कैप्टन है वार्नर को भी कर सकता हूँ। अब हम माई इलेवन सर्कल टीम पे आते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारी माई इलेवन सर्कल टीम है, आप देख सकते हो यहाँ पर माई इलेवन सर्कल पर मैंने क्या किया है, माई इलेवन सर्कल पर मैंने संजू सैमसन को लिया विकेट कीपिंग में, जॉस बटलर को लिया, जॉनी बेस्टो को लिया है, और जायसवाल की जगह पर मैंने डेविड मिलर को लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पर लिया डेविड वार्नर, केन विलियमसन, और राहुल टिवाटिया, क्रिस मोरिस, और नीचे के वही तीन बॉलर। यहाँ पर मेरी वो टीम बन गई जो मैं बनाना चाहता हूँ, वो मेरी टीम बन गई है। तो अगर हैदराबाद पहली इनिंग बॉलिंग करती है तो भाई साहब मजा आ जाएगा, मुझे मेरा जैकपॉट मैच हो जाएगा, ठीक है। तो कैप्टन फिलहाल मैंने जॉनी बेस्टो किया है, बट कैप्टन मैं वार्नर को भी कर सकता हूँ, ये मैं चेंज कर सकता हूँ, अभी थोड़ा कन्फर्म नहीं, देखते हैं क्या होता है, बट उम्मीद है कि मैं कैप्टन में चेंज कर दूंगा। बाकी वाइस कैप्टन मेरा सैमसन रहेगा, क्यों, क्योंकि पता है भाई क्या होता है सैमसन का, क्योंकि सैमसन मेरे लिए बहुत लकी है, ये स्कोर करे ना करे, अगर मैं इसको वाइस कैप्टन जिस मैच में करता हूँ वो मैच में जीतता ही हूँ उसमें मैं, तो ये सीन है, मैंने इसको वाइस कैप्टन किया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ गिवे के क्वेश्चन की, तो गिवे का क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बता दूँ, गिवे का क्वेश्चन ये है कि आज के मैच में पहली बात तो कौन मैन ऑफ द मैच होगा वो बताओ, और जो हाईएस्ट स्कोरर होगा एक वो उसके पॉइंट आप कमेंट करो, और जो लोएस्ट स्कोरर होगा उसकी पॉइंट आप कमेंट करो, मतलब आपको ये एक तो मैन ऑफ द मैच बताना है और आपको ये बताना, और अरे चलो क्वेश्चन चेंज, एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन ये है मैन ऑफ द मैच बताओ और उसके माई इलेवन सर्कल पे कितने पॉइंट होंगे ये आपको कमेंट करना है, ये दो चीज़ें बस, बहुत ईजी है, कमेंट करो मजा आ जाएगा। मैन ऑफ द मैच कौन होगा ये लिखो पहले, ऐसे आंसर करो जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, और उसके बाद ये लिखो कि उसके माइलोन सर्कल पर इतने पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो माइलोन सर्कल के आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और उम्मीद करता हूँ
कि आप वीडियो, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फाइनल मेरी ड्रीम इलेवन टीम के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और शाम को और अभी दोपहर में 2 बजे मैं इस मैच के लिए लाइव आऊंगा। लाइव आके मैं ब्रीफ में बेहतरीन तरीके से आपको बड़े बड़े प्रेडिक्शन आपको देने वाला हूँ। तो लाइव अलार्म सेट कर लो, 2 बजे मैं लाइव आऊंगा। टेलीग्राम पर वैसे मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, तो 2 बजे लाइव सेशन देखने जरूर आना। लाइव सेशन जो है 2 लाख लोग करीब देखते हैं, 1.5 से 2 लाख लोग, और बहुत विन करते हैं, तो आप भी जो है आना जरूर लाइव सेशन में। शगुन के तौर पे 151 रुपये 101 रुपये ले आना लिफाफे में, और मुझे शगुन दे देना, या फिर काजू कतली की बर्फी वगैरह मिठाई वगैरह ले आना। आना बट लाइव सेशन देखने यूट्यूब पर आना, मज़ा आएगी आपको। ठीक है, तो चलो ये हमारी जो होती है, ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे वीडियो, और बस डाउनलोड करो माय लियोन सर्कल के ऐप, ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर शाम को दोपहर को 2 बजे लाइव। और जो सेकेंड मैच है उसकी भी वीडियो मैं डालूंगा, वो वीडियो आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, और सेकंड मैच के लिए भी मैं 6 बजे शाम को लाइव आऊंगा। ठीक है, तो प्लीज इंतजार करना मेरा, और कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तो अलार्म सेट कर लेना, पहला कमेंट और पहला लाइक आपको करना है, फ्री में कैश विन करना है। चलिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।